हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का नई सीरीज का एक लैपटॉप। लिनोवो ने अपनी गेमिंग सीरीज एक लॉन्च करी है, LOQ, जिसको हम लॉक कहते हैं। नई गेमिंग सीरीज है ये। पहले जैसे लीजन आ रही थी, आइडिया पैड गेमिंग आ रही थी, ये लिनोवो ने रिसेंटली लॉन्च करी है। उसमें तीन चार मॉडल्स अभी लॉन्च करे हैं, जिनमें से आज एक मॉडल हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है ये लिनोवो का LOQ। जी हाँ, ये राइजन 7 के साथ है, 7000 सीरीज में है। मैंने अभी तक पहले भी देखे थे 7 के साथ 6000 सीरीज में, लेकिन लिनोवो ने ये राइजन 7000 सीरीज में लॉन्च किया है। 16 GB रैम और RTX 4060 ग्राफिक्स के साथ। दोस्तों, इसको हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, और कहीं मत जाइएगा, हम लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको जैसी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लिनोवो के न्यूली लॉन्च लॉक को अनलॉक करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिनोवो ने अपने इस नई गेमिंग सीरीज में दी है। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है एज यूजुअल। जैसे इसमें हम देखेंगे एक पावर कोड है, प्रीमियम पावर कोड है, और 170 वाट का यूएसबी पावर अडेप्टर है इसका। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर 65 वाट या 90 वाट का अडेप्टर आपको नहीं मिलेगा, 170 वाट का इसमें आपको पावर अडेप्टर मिलता है। तो देखिए, ये है लैपटॉप, वेट मैं उठा के देख रहा हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.4 kg का लैपटॉप है। अगर मैं कलर की बात करूंगा मतलब, तो कलर इसका स्टॉमी ग्रे कलर है, लेकिन लिनोवो ने इसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट करी है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत डिफरेंट लुक है। यहाँ पे काफी पोर्ट्स इसमें बैक साइड में भी दिए हैं, वेंटिलेशन के लिए डिजाइन थोड़ा सा अलग करा है, ठीक है। ये रबड़ ग्रिप है, अगर आप साइड में देखेंगे तो साइड में भी वेंटिलेशन है, और मेन पोर्ट इसके बैक साइड में भी है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूंगा तो इसकी बॉडी की क्वालिटी काफी हैवी है, मतलब अगर मैं तो काफी मजबूत, इन्होंने गेमिंग जैसा लैपटॉप होते हैं वैसे ही इन्होंने बनाने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, ओपन करते हैं, देखते हैं लैपटॉप। एक हाथ से भी ओपन हो गया। तो जैसे कि आपको पता ही है, लैपटॉप लिनोवो के जो होते हैं, हम लेट ओपन करते ही बूटअप होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ही ऑन हो गया है। तो दोस्तों, लैपटॉप को बूटअप करते हैं, उसकी कॉन्फिगरेशन देखते हैं। उससे पहले इसके हम पोर्ट्स देखेंगे, लिनोवो ने इसमें पोर्ट्स क्या क्या दिए हैं। अगर लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करेंगे तो लैपटॉप के लेफ्ट साइड पे जो आपको पोर्ट्स दिखाई देते हैं, वो सिर्फ एक ही पोर्ट दिखाई दे रहा है, जो है यूएसबी 2.0, और साथ में आपको एक पोर्ट और दिखाई दे रहा होगा। वो पोर्ट नहीं, एक बटन है बेसिकली। अगर आप ये देखेंगे तो ये बटन है, एक ये कैमरे का बटन है ऑन एंड ऑफ करने का। अगर लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दो पोर्ट दिखाई देंगे। एक पोर्ट है आपका यूएसबी टाइप सी 3.2 Gen 2, जो सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफर को, और एक पोर्ट आपको दिखाई देता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिससे आप स्पीकर्स और हेडफोन माइक कनेक्ट कर सकते हैं। जो लैपटॉप का मैक्सिमम पोर्ट है वो आपको इसके बैक साइड में दिखाई देंगे। जो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो चार्जिंग का पोर्ट है, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके साथ आपको दिखाई देगा HDMI 2.1 आपके प्रोजेक्टर LED TV कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपका RJ45 100x1000 का है, जो आप क्योंकि गेमिंग है, अगर आपने लैपटॉप पे गेमिंग करनी है और फास्ट स्पीड जाते हैं तो आप वाईफाई के बजाय लैन से नेट चला सकते हैं। उसके बाद दो आपको यूएसबी दिखाई देते हैं 3.2 Gen 2। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो प्रोवाइड कराई गई है लिनोवो के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर इसका AMD राइजन 7840HS। देखिए, मतलब अभी तक हम जो लैपटॉप्स अनबॉक्स कर रहे थे वो सारे राइजन 7 में 6800H तक हमने किया था। ये पहला लैपटॉप है जो हमने अनबॉक्स किया है जो राइजन 7 7840HS प्रोसेसर के साथ है। अगर मैं इसकी बेस स्पीड की ही बात करूं तो 3.8 GHz तो इसकी बेस स्पीड है, और मैक्सिमम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये बूस्ट अप होके आपका जाएगा 5.1 GHz तक। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, लिनोवो ने, ये लिनोवो की बात नहीं है, ये तो AMD की बात कर रहे हैं, AMD ने राइजन 7 इस प्रोसेसर को जो लॉन्च किया वो 4 नैनोमीटर में है। जी हाँ, जैसे इंटेल के 10 नैनोमीटर के आते हैं, और हम जो पहले जो प्रोसेसर देखते थे AMD के वो 7 नैनोमीटर के थे, जो
राइजन ने, एमडी ने राइजन 7 में लॉन्च किए थे, वो 6 नैनोमीटर के थे, लेकिन इसके अंदर 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जो एएमडी ने दिया है और लिनोवो ने अपने इस लैपटॉप के अंदर यूज किया है। अगर हम बात करेंगे कोर्स की तो 8 कोर का प्रोसेसर है ये। हाँ, फिजिकल कोर जो वो 8 है और लॉजिकल प्रोसेसर आपको 16 मिलते हैं और L3 कैशे भी आपको 16 MB की मिलती है। बात करेंगे मेमोरी की तो 16 GB की इसमें रैम है। जी हाँ, DDR5 आपको इसमें रैम मिलती है 56 MHz की। स्लॉट दो हैं, दोनों के दोनों यूज्ड हैं, 8 GB की दो इसमें रैम लगी हुई है। जब लैपटॉप खोलेंगे जब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बात है पहले भी हमने एक लैपटॉप खोला था उसके अंदर राइजन 7 था 6800, लेकिन उसमें रैम DDR4 ही थी, लेकिन इसमें रैम DDR5 है जो परफॉर्मेंस को काफी बेटर कर देती है। माइक्रोन की 512 GB की SSD है। देखिए मैं यही कहूंगा और थोड़े से पैसे भरा के इसमें 1 TB की SSD कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन क्या इसमें आपको 477 कैपेसिटी मिलती है। GPU देखिए, ग्राफिक्स का जो है NVIDIA GeForce RTX 4060 DDR6 8 GB का इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है, बहुत ही हैवी ग्राफिक्स है ये। शेयर्ड GPU भी आपको 7.6 GB दिखा रहा है, टोटल आपकी 15.6 है, लेकिन जो अगर हम मेन देखेंगे वो डेडिकेटेड देखते हैं और वो 8 GB का ग्राफिक्स है। RTX 4060 काफी हैवी ग्राफिक्स हो गया। GPU 1 आपको जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि AMD का प्रोसेसर है, तो AMD के प्रोसेसर में अपनी डेडिकेटेड GPU भी होती है। हर AMD के प्रोसेसर में जो होती है, किसी में 512 होती है, किसी में 2 GB की होती है, लेकिन इसके अंदर 512 इसमें डेडिकेटेड टोटल लिखी हुई है 448 MB की जो इसमें डेडिकेटेड है। शेयर्ड आप देख ही चुके हैं। देखिए एक इसकी इंटरनल मेमोरी, ग्राफिक्स मेमोरी डेडिकेटेड, दोनों मिला के परफॉर्मेंस को काफी अच्छा कर देती है। जो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे वो कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको वॉइस सुनाई दे रही थी वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी है। उसका हमारा पर्पज यही था कि आपको इसकी माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए, क्योंकि आज की डेट में देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती है, जूम मीट होती है, उसके लिए माइक की क्वालिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है, या आपको समझ में आना चाहिए कि माइक की क्वालिटी कैसी है। दूसरा जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो है 15.6 inches फुल HD। जी हाँ, रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1920x1080 आपको इसका रेजोल्यूशन मिलता है। IPS डिस्प्ले है 350 nits के साथ, एंटी ग्लेज स्क्रीन है और NTSC की बात करेंगे तो वह है 45% और इसका रिफ्रेश रेट है 144 Hz का। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप है तो नेचुरल है कि मिनिमम 144 Hz तो मिलेगा ही, हालांकि हम एक्सपेक्ट करते शायद इसमें 165 Hz हो, लेकिन इसमें 144 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। कैमरे की बात करेंगे तो कैमरा इसमें आपको दे रखा है फुल HD 1080p विद ई शटर के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया था जब आपको पोर्ट्स दिखाए थे, तो जो इसका शटर है आपको लॉक करना है तो लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपके राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा। तो दोस्तों समय हो गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं लिनोवो ने आपके इस लैपटॉप में क्या क्या पार्ट्स दिए हैं। दोस्तों मैंने इसमें एक चीज और ओपन कर रहा था, मैंने ये देखा कि इसके अंदर ना ये लैपटॉप थोड़ा सा खोलने में डिफिकल्ट है, या एक बार जब आप देख लेंगे तो इसमें ये पीछे के जो ब्लैक है ये जरूर उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लैपटॉप देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था सिर्फ हमारा ये पैनल उतरेगा, लेकिन ये उतर के ही हम इसको उतार पाएंगे। तो लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है, तो ये देखते हैं इसके अंदर में हमारे कहां कहां पे कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, ये देखिए आपको दो फैन दिखाई दे रहे हैं, गेमिंग लैपटॉप है तो बट ऑब्वियस इसमें दो फैन ही होंगे। ये हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन से, और यहाँ हमारा ग्राफिक्स है, दोनों ही ग्राफिक्स और प्रोसेसर दोनों ही अटैच होते हैं फैन के साथ। अब हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपको मैं बता दूं ये जो है बोर्ड है यहाँ पे हमारे जो हमने शुरू में पोर्ट्स देखे थे वो यहाँ पे इंसुलेटेड है। ये हमारी SSD आपको लगी हुई है जो 512 की हमने देखी थी। ये हमारा वाईफाई है, वाईफाई इसमें 6E मिलेगा और ब्लूटूथ आपको 5.1 मिलेगा, राइट। इसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये लगा हुआ है, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आपको रैम दिखाई देती है, जो दो रैम आपको लेनोवो ने दी है इसमें 8-8 GB की दो रैम है। ये आप देख रहे हैं ये बैटरी है जो 60 Wh की आपको इसमें बैटरी लेनोवो ने दी है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कम लैपटॉप में आता है, लेनोवो में आता है, लेकिन ये CMOS सेल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो स्पीकर्स हैं जो आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया लिनोवो का न्यूली लॉन्च लैपटॉप लॉक।
जी हाँ, LOQ, LOQ सीरीज के अंदर लिनोवो ने अभी कई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से मैं एक मॉडल आज आपके लिए लेके आया और फ्यूचर में बाकी मॉडल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो आज हमने अनबॉक्स किया है वो है राइजन 7 के साथ, जो आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, हमने बैक पैनल भी आपको खोल के दिखाया। 16 GB रैम है और RTX 4060 8 GB का ग्राफिक्स है। तो देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकेशन कहूं तो स्पेसिफिकेशन इसकी सुपर डुपर है, मतलब कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहें, आप 3D Max चलाना चाहें, आप एडोब प्रो प्रीमियम चलाना चाहें, आप गेमिंग करना चाहें, आप 4K एडिटिंग करना चाहें, कोई भी काम आप इस पे करना चाहें वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ऑलरेडी ही काफी हाईली कॉन्फिगेशन लिनोवो ने आपको दी है। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूं तो मुझे एक छोटा सा जो इसमें ड्रॉबैक दिखाई दिया है, सबसे पहला ड्रॉबैक नहीं है वो, 512 GB की SSD आ रही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इस प्राइस रेंज के अंदर लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं तो 512 की जगह आज के डेट में 1 TB SSD दे देनी चाहिए, क्योंकि अब i3 और i5 के अंदर भी कंपनीज ने स्टार्ट कर दी है 1 TB SSD देनी। तो ये तो गेमिंग लैपटॉप है 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर जो आ रहा है, और उसमें भी हम 512 GB SSD लें तो उसमें थोड़ा सा रहता है। दूसरा, इसकी जो स्क्रीन, जैसा कि हमने देखा 45% NTSC है, तो जैसे अगर आप कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं या फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं या आपकी जो आपको कलर क्लैरिटी एग्जैक्ट चाहिए कि जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वो आपको इस लैपटॉप पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपका स्पेसिफिक वर्क सिर्फ कलर क्लैरिटी से रिलेटेड है तो ये लैपटॉप मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि 45% आपका इसका NTSC है। बाकी अगर मैं लैपटॉप के अंदर कहूं तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। अगर आप कलर की बात करेंगे, या देखिए कलर तो अपना अपना होता है, लेकिन अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा या वॉबलिंग की बात करूंगा, तो वॉबलिंग भी इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें वॉबलिंग देखने को मिलेगी। डिजाइन भी लिनोवो ने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी है। मैं वेट की बात करूंगा तो नॉर्मली 2.4 kg के ही आज की डेट में गेमिंग लैपटॉप आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर प्राइसिंग की बात करते तो लिनोवो ने इसकी जो प्राइसिंग रखी है वो करीब 1,10,000 रुपए के आसपास रखी है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल हम प्राइस कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी इस ग्राफिक्स के साथ या इस प्रोसेसर के साथ तो अभी हमने लैपटॉप नहीं देखा है, लेकिन जो इस ग्राफिक्स के साथ है वो मोस्टली सारे 1,25,000 से ऊपर या इसी की रेंज में मिलते हैं, तो काफी अग्रेसिव प्राइसिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं वारंटी की, तो लिनोवो इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देता है, ऑनसाइट वारंटी। अगर आप अपग्रेड कराना चाहें तो जब भी आप लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो आप जरूर वहां पे पूछिएगा उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव से कि अभी क्या ऑफर चल रहा है, आप कितने प्राइस पे वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन भी लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। जब भी आप लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन लेना है तो आप क्या उस टाइम प्राइस चल रहा है। मोस्टली डिस्काउंटेड रेट पे ही लिनोवो ADP वारंटी ऑफर करता है। और मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ, अभी यही कहूंगा, कभी भी आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो आप उसी कंपनी की लीजिए। अगर आप लिनोवो का लैपटॉप ले रहे हैं तो आप लेनोवो की ही एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, चाहे वो एक्सटेंडेड हो चाहे वो एक्सटेंडेड डैमेज हो, थर्ड पार्टी मत लीजिएगा। थर्ड पार्टी लेने पे आपको वारंटी इजीली नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो वो बहुत टाइम लग जाता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना या ज्यादा भी उसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी भी हम कुछ कवर करना रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। हम आगे भी ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको जरूर दिखाएं, जिससे आपको ये कन्फर्म रहे कि आप क्या क्या इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जिससे आप जब भी लैपटॉप लेने जाएं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या क्या अपग्रेडेशन की ऑप्शन है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।